आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो आज मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ गौरैया का खतौना कैसे बनाते, क्योंकि मेरे घर में पूरा फैन पे गौरैया गौरैया बैठती हैं, तो परेशान है, कितने दिनों से उनको खतौना मिल नहीं रहा। तो आज मैं मटकी से उनका खतौना बनाने वाला हूँ। तो ये देखिए मटकी है, तो इसमें मैंने ऑलरेडी होल बना रखा है यहाँ पर। तो अभी एक और मटकी रखा हूँ मैं, उसमें होल बना के आपको दिखाता हूँ कैसे होल बनता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए मैंने कुछ जुगाड़ बनाया है, अभी मैं इसे सोल्व करूंगा यहाँ पे। अब हो गया, तो थोड़ा सा इसे रिंग की मदद से आप कुछ भी ले सकते हो, थोड़ा कुछ भी जो भारी चीज़ हो आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मुझे यही मिला है तो मैं इसी का यूज़ कर रहा हूँ। इसी तरह मैंने सारी मटकियों में ऐसे ही होल बनाया था। ये देखिए, अब इसकी हम इसको तीन जगह और होल मारेंगे ताकि इसमें रस्सी बांध के ऐसे लटका सके। ये देखिए किन पूरा आर पार, ताकि जो रस्सी डालेंगे इसमें हम अभी वो सही तरीके से चल जाए। और ये तीनों मैनेजमेंट मैंने एक साथ एक बराबर किया है ताकि जब लटके तो एक तरफ ये तिरछा ना हो, ठीक है। मेरा ऐसा करने के पीछे एक ही मकसद है, क्योंकि जो गौरैया हैं वो धीरे धीरे लुप्त हो रही हैं हमारे गांव से। पहले कच्चे मकान थे, झोपड़ियाँ थी, तो उसमें वो अपना घोंसला बनाती थी, रहती थी आराम से। अभी क्या कि पक्के मकान पूरे गांव में बन गए हैं, तो वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं। तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा डेंट पेंट कर दो रहा हूँ ताकि उनका घर जो है वो थोड़ा अच्छा दिखे। तो ये देखिए, जैसे कि लाल, पीला, हरा, मैंने तीन रंग का रंग ले लिया है। नंबर यार, इतना मेहनत कम पेंटा अपने घर में नहीं किए होंगे। अब ये देख लीजिए हमारी पांच मटकी। तो ये देख रहे रस्सी, मैं ये रस्सी मैं काट लिया हूँ बराबर नाप की, अभी ऊपर नीचे ना हो, एक में इतनी रस्सी लगेगी। अभी हम रस्सी लगाना शुरू करते हैं। देखिए गांठ मार दी अंदर से ताकि निकले ना, और इस होल से कुछ ऐसे छत के कंगन में टंगेगा ये। तो फटाफट सब मैं सारी मटकियों में रस्सी लगा लेता हूँ। ये देखिए हमारे गौरैया का नया घर। उम्मीद है कि ये घर उनको पसंद आएगा। तो काम पूरा हो गया है यहाँ का, अब इसको हम छत के कंगन मिटाएंगे, तो उसकी व्यवस्था करते हैं। चलिए आ गई हमारी चिंगी, हम लगाएंगे अभी, देखिए वहां लगाएंगे ऊपर। तो मैं चढ़ने जा रहा हूँ सीढ़ी से। Thank you.
तो देखिए हमने मटके बांध दी पूरी बढ़िया से, एकदम हिलेगी नहीं, इधर से हिलेगी नहीं। इसी तरह हम सारी मटके लगा लेते हैं फटाफट, ज्यादा समय आपका ना लेते हुए। देखिए वो पहले का खतरा लगा ऊपर है, मैं लगाया था कागज का, वो तिरछा हो गया, काफी ज्यादा घास भर गई है, तो अभी इसको हम काट के हटाने वाले हैं। कितना सारा भर गया इसमें, दूसरा भी लग गया, आराम से भर गया, जाएगी ठंडे बच्चे देगी, तीसरा का जो रस्सी है वो तीनों बराबर रह जाए, ऊपर नीचे नहीं, आप एक बार खींच खींच के देख लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है। आप लगाएंगे चौथा, ये हमारी चौथी मटकी भी तैयार, लास्ट बची है। अब देखिए ये लास्ट मटकी बची है, लास्ट। देखिए यहाँ का होल थोड़ा छोटा है, इसलिए थोड़ा सा मेहनत ले रहा है। हाँ नहीं मानेंगे, गौरैया को घर बसाना है, तो गौरैया का घर तैयार हो गया एकदम बढ़िया से, पांचों लग गया। अब हम अगली सुबह का इंतजार करेंगे, सुबह में गौरैया आती हैं, देखते हैं उनको ये घर पसंद आता है कि नहीं आता है, पसंद आया तो अच्छी बात है, वो रहेंगे अंडा बच्चा देंगे। अभी वो पालतू तो है नहीं, जंगली हैं, धीरे धीरे उनके बच्चे पालतू बन जाएंगे, हमारे साथ रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अगली वीडियो देखते रहिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बाय बाय।